हिबे फुर्रा, इट्स वेरी वेरी वल्गर। जब आप इसे पहली बार देखेंगे, जब फिल्म देखेंगे, तो आपका एक्सप्रेशन ऐसा होगा कि ये लड़की ये क्या कर रही है। मैंने पहली बार ये गाना सुना, लाइक इट वाज गोना डांस ऑन द सॉन्ग, ये कौन करेगा ये गाना। एंड देन वी गॉट बेरेजी, इट वाज वेरी 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 नाइस, वेरी एंजॉयबल। इट्स द आइटम नंबर ऑफ द ईयर, इट्स द आइटम सॉन्ग ऑफ द ईयर। सोनी सारियां ते पीछे लटका, हमें तो लगती है टच। वो मेरी बहन है, उसकी शादी हो रही है। वी वांटेड समथिंग नॉटी, समथिंग चटपटा, समथिंग you know, with a very strong wedding flavor. कैसे होगा, तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, एक परछाई कोई उठती है और गाना बजता है और सीधा डांस करने लगती है, और ऐसा डांस करती है, ऐसा डांस करती है, वो थी आशिमा। वो जो सारे स्टेप्स हैं ऐसे करके, वो आशिमा ने, जो बेनजीर हुज प्लेइंग माय सिस्टर इन द फिल्म, उसको बताया कि ऐसे करो, ऐसे करो। इनडायरेक्टली आप अगर जो कहे, तो आशिमा ने कोरियोग्राफ किया है गाना, मैंने सिर्फ 1 2 3 4 में उसको प्रॉपरली मैंने सब असेंबल किया हुआ है। राजीव भी ना कैसी बातें करता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हम लोग क्रैक करने की कोशिश कर रहे थे कि क्या इसकी कैसे टाइप की कोरियोग्राफी होनी चाहिए, थोड़ा थोड़ा शॉकिंग। वी वांटेड समथिंग शॉकिंग कि यू नो, जैसे ए सर्टिफिकेट वाला, कि बच्चे भी है फैमिली में और उनके ऊपर कैसा इंप्रेशन पड़ेगा दीदी का। राजीव सर इज a very good choreographer. He pointed out my mistakes exactly where I was going wrong, and obviously helped me a lot to improve my expressions and everything. We needed naughty lyrics for this song, क्योंकि ये वो हॉ वाला गाना है, हॉ। तो हमने कुमार को बोला कि कुमार, हमें ऐसे टाइप का गाना चाहिए कि थोड़ा फैमिली स्पेस के आउट ऑफ फैमिली स्पेस हो। देखिए नहीं, मैं बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं जुतियाँ नहीं खाना चाहता किसी से, टू बी वेरी फ्रैंक। जुतियाँ विल बर्सन ओवर माई हेड वन डे। एक्चुअली उनको ज़बरदस्ती ये लिरिक्स गन पॉइंट पे लिखाए गए, बट उन्होंने बहुत बहुत ही फनी, बहुत ही मज़ेदार लिरिक्स लिखे हैं। वो गाना लिखा नहीं, लिख हो गया, मेरे मुंह से कुछ लाइनें निकली तो उन्होंने पकड़ ली। वो लाइनें आप बताएं ना प्लीज, आप बताएं। ना ना ना, वो पंगे वाली लाइनें हैं, मैं नहीं बताना चाहता। आशिमा विल टेल यू द ट्रुथ। जवानी डेडिकेट करा, तेरा चादर थल्ले वेट करा, इसका मतलब समझते हैं आप? नहीं समझाइए, डायरेक्टर समझाएंगे आपके वीडियो। चलो जी आओ हमारे डैडी। लाइंस आर वेरी लिटिल बिट स्कैंडलस। मेरी कुर्ती है टाइट, तेनु करा इनवाइट। सोनी सारियां ते बिच में ता लगनी है टिच, दस मेरे मरी का एथे को। It's a very hardcore pumping song, like you want to dance to it. This song is a butter chicken. ये हम इसको butter chicken song। आजकल इनके नक्शे का तुम पे चल रहा हूँ मैं। ये बोले butter chicken, दाल तड़का, दाल तड़का। The first time I heard it, I was like, अरे यार क्या सही गाना है यार ये। And I thought I would be in the song, but ऐसा नहीं हो पाया। आशिमा को लगा मैं फिल्म में ज़्यादा footage खा रहा हूँ, तो उसने वो गाना बेनज़ीर को दे दिया।